चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोल के ऋषि का जहर पी ली। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। मुझे माफ कर देना भगवान। इधर गोकुल भी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर काफी सारी नींद की गोलियां खा गया। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब गोकुल और रीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। कहा जाता है दोस्तों, अगर प्यार में ताकत हो तो सब कुछ मुमकिन है, और अगर प्यार ही कमजोर पड़ जाए तो किसी से लड़ने की हिम्मत कहां से मिलेगी भला। रीमा, आखिर तुम डर क्यों रही हो? एक बार हिम्मत जुटा लो, देखना सब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। मुझसे नहीं होगा गोकुल, मेरे माँ पापा के गुजर जाने के बाद ये चाचा चाची ही तो मेरी सारी जिम्मेदारी उठाए हैं। मुझे अपनी बेटी की तरह पाले हैं, और चाचा जी सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को देखते हैं। वो लव मैरिज का नाम सुनते ही मुझे मार डालेंगे। मुझसे नहीं होगा गोकुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। परिमा प्लीज, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। आपने तो देख ही लिया कि रीमा अपने चाचा से इस हद तक डरती थी कि अपना प्यार भी खो देने को तैयार थी, और गोकुल भी कोई प्यार किया तो डरना क्या वाला आशिक नहीं था। वो तो अपने मुंह से कुछ बोलने के लिए कम से कम 10 बार सोचता था, और वो जाएगा रीमा के चाचा के साथ शादी की बात करने? इम्पॉसिबल। इसी दौरान रीमा के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। रीमा, मैंने एक लड़के को तुम्हारे लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हें इस शादी के लिए कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं चाचा जी, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो फिर लड़के वालों को मैं परसों ही बुला देता हूँ। रीमा को देखते ही शादी के लिए लड़के वाले हाँ कर दिए, और 15 दिन में ही शादी का डेट फिक्स हो गया। क्योंकि लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर वो कितने दिनों तक अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में रहेगा भला। और उधर गोकुल, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ, रीमा से बेहद प्यार करता हूँ, फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं कि उसके चाचा से जाकर बात कर पाऊं। गोकुल के डर के वजह से अब लगता है वो शायद रीमा को खोने वाला है। हे, तुम इतना डरते क्यों हो? चलो ना, तुम्हारे रूम पे चलते हैं, आज रात वहीं पर रहेंगे। ऋषिका, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं डरता वरता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर हमारे बीच का रिलेशन को हमें लिमिट में रखना चाहिए। ओ कम ऑन नवीन, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं उनसे लड़ूंगी झगड़ूंगी, और फिर भी वो अपने जिद में अड़े रहे तो मैं घर छोड़ के भाग आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। देखो ऋषिका, मैं इतना कमाता नहीं हूँ जितना बड़ा तुम सपना देख रही हो। तुम्हारे जरूरतों को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल है, फिर हम दूर भागकर कैसे गुजारा करेंगे? तुम इतना क्यों सोचते हो डार्लिंग? मैं जब घर से भागूंगी तो ढेर सारे पैसे और गहने ले आऊंगी, फिर हम यहाँ से दूर जाकर आराम से हमारा बिजनेस सेटअप करेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा प्लान है। अब चलो,
मुझे तुम्हारे रूम पे ले चलो। नवीन एक 27 साल का लड़का जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेकर रहता है। ऋषिका 23 साल की एक MBA स्टूडेंट और रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जो अक्सर कुछ ना कुछ बहाना बना के नवीन के साथ उसके रूम में रात को रुक जाती थी। दोनों में संबंध काफी आगे बढ़ चुका था। फिर जब ऋषिका को घर पे पूछा जाता था, ऋषिका कल रात को तुम कहाँ थी? पापा मैंने तो माँ को फोन करके बताया था कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ, वहीं पर रहूंगी रात को। कौन सी दोस्त, क्या नाम है उस दोस्त का बताओ, मैं अभी उनके घर पे जाकर पूछूंगा कि सही में तुम वहाँ गई थी या नहीं। पापा अगर आप उनको ऐसे पूछेंगे तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, सब मेरे मजाक उड़ाने लगेंगे कि तेरे पापा को तुझ पे भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ जाने दे, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम। तुम ही इसे इतना सर पे चढ़ा के रखी हो, महीने में कम से कम 10 दिन रात को बाहर रहती है, पूछने पर बहाना देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, मैं तंग आ गया हूँ इससे। अरे आप भी ना, पहले रीमा की शादी हो जाए फिर हम बिना देर के इसकी भी करवा देंगे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ऋषिका के लिए, वो मना थोड़ी करेगी। आप खामोखा टेंशन ले रहे हैं। हाय मजा आ गया कल रात को, काश मैं हॉस्टल में रहती तो रोज रात को नवीन के पास चली जाती। ऋषिका कहाँ थी तुम कल रात को? नवीन के घर में और कहाँ। दीदी तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऋषिका तुम्हें तो पता है चाचा जी कितना गुस्सा करते हैं, अगर उन्हें कभी तुम्हारे और नवीन के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे पता चलेगा, तुम तो नहीं बताओगी। मैं भी नहीं बताने वाली, और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही है, फिर डर के क्या फायदा। पर ऋषिका अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। रीमा दीदी तुम अपने शादी के बारे में सोचो ना, क्या पहनोगी, कैसे मेकअप करवाओगी, कैसे पोज में फोटो लोगी, ये सब सोचो, मेरे बारे में सोचना बंद करो। इतनी अच्छी बनने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो, मेरे माँ पापा के मेहरबानी के वजह से तुम हमारे घर पे हो, नहीं तो दर दर ठोकर खा रही होती, समझी? Now get lost। रीमा के साथ ऋषिका का बर्ताव तो आपने देख ही लिया, ऋषिका उसे कभी भी अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी। रीमा उसके चाचा के एहसान तले दबी हुई थी, इसीलिए चुपचाप अपने प्यार गोकुल को भुला के चाचा चाची के पसंद के लड़के से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।